हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कोर्स शीट. ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कोर्स शीट की कि हमने जो इसका सारा है ना, मतलब कोर्स शीट में होता क्या है, सारा कुछ जो इसमें एलिमेंट्स है वो हमने इसका जो एक मेथड बनाया था कि इसका सारा ड्राफ्ट बना रहे हैं हम. ठीक है, इसके कई न्यूमेरिकल्स भी होते हैं. कोर्स शीट बनती कैसे है, इसमें सारे डायरेक्ट मटेरियल्स का होना जिससे हमारी प्राइम कॉस्ट निकल जाती है. ठीक है, फिर इसके सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस हम मतलब ऐड करते हैं. ठीक है, फिर प्राइम कॉस्ट और सारी फैक्ट्री एक्सपेंसेस को ऐड करके हमारी वर्क कॉस्ट निकलती है. ठीक है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस के एक्सपेंसेस. ठीक है, जो सारे हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं. ठीक है, प्लस जो वर्क्स कॉस्ट है, ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है. आगे हम कर रहे थे, ठीक है, कि और भी होते हैं, जैसे अब हम बात करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस भी हमने ऐड कर लिए. अब जो मतलब जो हमारा प्रोडक्ट जब तैयार हो गया, ठीक है, तब हम उसे पैकेजिंग कर लो. ठीक है, उसकी उसके बाद हम उसे मतलब सेल करेंगे, तब हमारे कैसे एक्सपेंसेस होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कैरिज आउटवर्ड हो गया. अब हमने सारा जो हमारा मतलब प्रोडक्ट्स है वो प्रिपेयर करके है ना भेज दिए. ठीक है, फिर आ गया सेल्समैन. जो सेल्समैन है जो मतलब ये प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, उनकी सैलरी हो गई. ठीक है, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस हो गए, एडवर्टाइजिंग. अब हम मतलब अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, या फिर है ना उस पर हमारा खर्चा होगा, या फिर जो हमारा मतलब की कहते हैं दे है, जो हमने प्रोडक्ट्स वेयर हाउस में रखे तो वेयर हाउस के चार्जेस हो गए. ठीक है, उसका रेंट हो गया, उसका जो वेयर हाउस कीपर है ना, उसकी सैलरी होगी, ऐसे खर्चे हो गए. ठीक है, ये एक्सपेंसेस हो गए. ठीक है, इसके सारे जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पीछे, ठीक है, जो हमारी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्लस जो हमारे ये सारे एक्सपेंसेस है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के, ये ऐड होके यहाँ हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी. ठीक है, अगर हमें मान लो प्रॉफिट इन्होंने दिया हुआ है, या फिर ठीक है इन्होंने मान लो हमें सेल दी हुई, मतलब ये प्रॉफिट है, ऐड करके हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को, ठीक है, और प्रॉफिट को यहाँ हमारी टोटल सेल्स निकल आएंगी. या फिर ऐसा होता है न्यूमेरिकल में कि हमें सेल्स दी होती है, हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लिए थे, हम प्रॉफिट करना था, सेल से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल दो, जो हमारा रहेगा वो प्रॉफिट आ जाएगा. ठीक है, ये था इसका है ना, मतलब जो कॉस्ट शीट है ना कि एक ड्राफ्ट की कॉस्ट शीट मतलब कैसे बनती है. ठीक है, अब हम अगली वीडियो में इसका एक न्यूमेरिकल निकालेंगे. ठीक है, जिससे हमारा ये टॉपिक अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब हम एक इसमें से एक और बात करेंगे. ये तो थे वो चीजें जो हमारी आई हैं, ठीक है, कॉस्ट शीट में. अब किस किस को, को, के, कौन कौन सी चीज है जो कॉस्ट शीट में ऐड नहीं होगी. ठीक है, जैसे है ना मतलब इंटरेस्ट हो गया कोई भी, जैसे मान लो ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स हो गए. ठीक है, ये एप्रोसिएशन अकाउंट में आते हैं. ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं. इनका खर्चों में कोई जो एक्सपेंसेस है इनमें कोई लेना देना नहीं है, ये कॉस्ट शीट में ऐड नहीं होते. जैसे ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स हो गए, इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, डिविडेंड हो गया, डिस्काउंट हो गया, डिविडेंड, ठीक है, डिस्काउंट हो गया. ठीक है, जो ये सारी चीजें हैं, ये आइटम्स हैं एप्रोसिएशन ऑफ प्रॉफिट की. ठीक है, और इन्हें हम मतलब ये कोई और वहां पे सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो जो कॉस्ट हमारी लग रही है ये कॉस्ट शीट में ऐड नहीं होता. जो ये है ये आर नॉट इंक्लूडेड इन
कोस्ट शीट, ये आपको अवॉइड करने है, ठीक है। अब हम आगे इसका न्यूमेरिकल करेंगे अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।